वायरल फीवर चला हुआ है, तब से फीवर हेल्प डेस्क एक बनाई गई है जो कि इमरजेंसी में बनी हुई है। कोई भी बुखार का मरीज वहाँ पे जाके डॉक्टरी सलाह ले सकता है, जांच करवा सकता है। फीवर ऑब्लिक डेंगू वार्ड करके बनाया गया है वार्ड में, जिसके लिए 10 बेड सुरक्षित रखे गए हैं। 5 बेड पे मच्छरदानी लगाई गई है, अगर डेंगू जैसा या मलेरिया जैसा कोई पेशेंट आता है तो वो मच्छरदानी के अंदर लेटेगा, उसकी पूरी देखरेख। खबर वृंदावन से है, जहां पर नगर आयुक्त अनुनय झा द्वारा पत्रकारों से बात करते हुए बताया गया कि मथुरा में 50 इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन जल्द ही शुरू होगा। यह बसें मथुरा जनपद के नगर निगम व उनके आसपास के क्षेत्रों से यात्रियों को ले जाने का कार्य करेंगी, और साथ ही इन बसों का किराया भी आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अपेक्षा सस्ता होगा, जिससे कि आने जाने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के संबंध में नगर आयुक्त अनुनय झा ने बताया कि आगामी दिवाली से पहले सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएंगी। उद्घाटन के पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 50 इलेक्ट्रिक बस मथुरा जाएंगे। इन इलेक्ट्रिक बसों के आने के बाद वृंदावन में निजी वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों का प्रवेश वर्जित हो जाएगा। मथुरा में इलेक्ट्रिक बसेस की संख्या लगभग 50 के करीब होने वाली है, क्योंकि नगर निगम क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों से लोगों को जोड़ने वाला है। इसका रूट निर्धारण ऑलरेडी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, जिसके अध्यक्ष माननीय मंडलायुक्त महोदय हैं और जिसके सदस्य माननीय जिलाधिकारी महोदय, SSP महोदय, मैं, DC MBDO साहब, RTO साहब, ये लोग हम लोग हैं, तो हमने रूट निर्धारण ऑलरेडी कर दिया है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होने वाला है कि जितने भी इलेक्ट्रिक बसेज हैं इनमें से कोई भी प्रदूषण नहीं होगा, ये इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएंगे। इनका जो डिपो है ये बन रहा है वृंदावन में, डिपो बन रहा है इसका, और 50 बसेज। खबर उन्नाव से है, जहां सांसद साक्षी महाराज को अपशब्द के साथ जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसका मुकदमा सफीपुर कोतवाली में सांसद प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र देकर 4 लोगों पर दर्ज करवाया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के ही मदद से एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया और अन्य लोगों की धरपकड़ भी पुलिस ने तेज कर दी है। बता दें कि उन्नाव सांसद सच्चिदानंद साक्षी महाराज के प्रतिनिधि हसनैन वकाई ने सफीपुर कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें सांसद साक्षी महाराज को व्हाट्सएप कॉल के जरिए अमर्यादित शब्दों के साथ कत्ल करने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने तहरीर के मुताबिक मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से एक अभियुक्त को, जिसका नाम सैयद अहमद बताया जा रहा है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और बाकियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। माननीय सांसद जी के द्वारा अवगत कराया गया कि एक व्यक्ति के द्वारा मेरे मोबाइल नंबर पर अनर्गल भाषा का प्रयोग किया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 391/21, धारा 295A, 505, 506 थाना सफीपुर में पंजीकृत किया गया है। उक्त व्यक्ति का मोबाइल नंबर का इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर पता लगाते हुए उसको थाना सफीपुर पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया और उसका रिमांड उपयुक्त धाराओं में लिया जा चुका है। आगे की कार्रवाई नियमानुसार। खबर औरैया से सामने आया है, जहां पर बता दें कि समाजवादी पार्टी के डॉक्टर नवल किशोर ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं और महिलाओं के साथ डोली की रेप के बाद हत्या को लेकर आरोपी के खिलाफ फांसी की मांग करते हुए विधुना नगर में कैंडल मार्च निकाला, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। वहीं प्रियंका कुशवाहा ने कहा, जहां सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है तो वहीं न ही सरकार बेटी पढ़ा पा रही है न ही बचा पा रही है। हम उस बहन डोली कुशवाहा को न्याय दिलाने के लिए ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। द्वारा एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, किस तरीके से ये निकाला जा रहा है? देखिए, इस सरकार की तो जो नीति थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ना तो बेटी पढ़ा रहे और ना बेटी बचा पा रहे हैं। जैसा कि डॉली कुशवाहा के साथ कानपुर में हुआ है और उसका रेप करके जो 10वीं मंजिल से फेंक के उसका जो मर्डर किया है, और उसके बाद आरोपी खुले में ये बोल रहा है कि हमने किया है, और इसके आरोपी ये खुले में कह रहा है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ दिन में सब सेटल हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग ये मूवमेंट कर रहे हैं ताकि हमारी बहन को हम इंसाफ दिला सके, न्याय दिला सके। डोली कुशवाहा का जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रेप हुआ, रेप के बाद मर्डर हुआ,
और मर्डर के बाद में आरोपी खुलेआम कह रहा है कि मैंने रेप किया है, दसवीं मंजिल से फेंकने का काम किया है। और उससे भी जघन्य अपराध ये है कि सीओ एक वायरल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इन सबके विरोध में अपनी बहन जो डोली कुशवाहा जिसका कि रेप के साथ मर्डर किया है, उसको न्याय दिलाने के लिए, उसको फांसी के फंदे पर चढ़ाने के लिए आज हमारे साथ पूरी बिगुना की बहनें, बहनों के साथ में उसकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग आज फ्लैग मार्च के साथ में अभी मोमबत्ती और 2 मिनट का यहाँ पर हम लोग मौन